नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स में। और मैं राहुल जोशी आज आपके साथ जुड़ गया हूँ यहाँ पर, जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन की। जब मेंस्ट्रुएशन की बात होती है तो कैसे, कहाँ पे, क्या अप्रोचेस होती है, उसके फॉर्मुलेस कैसे बनते हैं, किस तरीके के सवाल बनते हैं, उन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, तो मैं आप सभी को बता दूं, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम एक अन अकेडमी का चैनल है। यहाँ पर आपके डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके एजुकेटर्स हैं वो फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप जाके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन और बहुत कुछ। आप कभी भी कोई भी एक मतलब तैयारी करते हो ना, तो आपको क्या क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है कि आप कभी भी क्लास ले सके, है ना? बिल्कुल ले मिल जाएगी, कहीं से भी क्लास ले सके। हम बस में बैठे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बैठ के क्लास देखो, ठीक है? तो कभी भी कहीं से भी क्लास ले सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, भैया क्लास ले रहे हैं पर डाउट क्लियर करने के लिए सर ही नहीं मिल पा रहे, वो भी नहीं है ना। हर 3 क्लास के बाद आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, 4 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, तो जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं। लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं डिलीवर्ड बाय बेस्ट एजुकेटर्स, आपके जो बेस्ट एजुकेटर्स है वो वहां पे आपको पढ़ा रहे हैं। लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या है ना, एजुकेटर्स ने अपने हिसाब से इस तरीके से आपका कोर्स डिजाइन किया होता है कि आपका सारा जो एग्जाम से पहले सिलेबस है वो कवर हो जाए, प्रॉपर कवर हो जाए। कंप्लीट प्रिपरेशन बाय एजुकेटर्स, जो एजुकेटर्स हैं वो इसको कंप्लीटली प्रिपरेशन करते हैं, प्रॉपरली आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं, क्विजेस करवाते हैं, आप अपनी जर्नी को ट्रैक ऑन कर सकते हैं, आप में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। टेस्ट सीरीज मिलती है, PDFs मिलते हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, तो सब कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पर, सही बात है? अच्छा, अब अगर अभी तक आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप कैसे लेंगे? आप जाएंगे गूगल प्ले पे, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे, देन उस पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, वहां पर जो भी आपका क्या है एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको सेलेक्ट करेंगे, देन गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी आप मान लीजिए आपके पास 1 साल है, 2 साल है, आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से 2 या 1 साल का जो भी आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए वो ले लीजिए। उस पे आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आर जोशी, आर जोशी मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको मिलता है स्ट्रेट 10% ऑफ। मतलब अगर 1 साल का आपको 8,800 रुपए का पड़ रहा है, इसको यूज करने से आपको 10% ऑफ हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 7920, ठीक है? उसे पे करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अच्छा, तो मेंस्ट्रुएशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फिर ट्राइंगल पे बात करेंगे। ट्राइंगल क्या होता है? देखिए, यूजुअली आपका जब मेंस्ट्रुएशन की बात होती है बच्चों, तो मेंस्ट्रुएशन में आपके 2 तरीके के पार्ट आता है, एक आती है 2D फिगर्स, एक आती है आपकी 3D फिगर्स, ठीक है? मेंस्ट्रुएशन में यूजुअली आपकी कितने तरीके की बात होती है, या तो 2D फिगर्स की बात होती है या 3D फिगर्स की बात होती है। 2D फिगर्स यानी जो आपके 2 डायमेंशन में बना सके, या XY प्लेन में जो आपके फिगर्स बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्किल, ये सब क्या है ना, 2 डायमेंशन में, इनकी लेंथ है, ब्रेथ है, पर थिकनेस नहीं। 3D फिगर्स क्या हो जाते हैं? 3D फिगर्स आपके जैसे प्रिज्म, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, सब कुछ, यानी ऐसी चीजें जो आपके 3 डायमेंशन में जाएं, वो आपकी क्या हो जाएगी, 3D फिगर्स हो जाएगी, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, अभी आप स्क्रीन देख रहे हो, अगर ये सिर्फ व्हाइट वाली स्क्रीन जो आपकी दिख रही है आपको अभी स्क्रीन पर, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है, 2D फिगर है, एक तरीके से 2D पर है ना, एक्स और वाई, उसकी थिकनेस कुछ नहीं। लेकिन अगर वो आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे देख रहे हो, उस पूरे स्क्रीन की थिकनेस को भी ले लें, तो वो क्या हो जाएगा, 3D फिगर हो जाएगा, ठीक है? जब आपके 2D फिगर्स की बात होती है, जब आपके 2D फिगर्स की बात होती है, तब हम कैलकुलेट क्या क्या करते हैं बच्चों, हम कैलकुलेट करते हैं पेरीमीटर, परिमाप और एरिया। ये क्या है, ये आपको बताता है अगर कोई फिगर है, ठीक है, वो कुछ साइड से इंक्लोज्ड है, तो वो जो साइड से इंक्लोज है उनकी लेंथ क्या है, यानी उसको बंद करने के लिए कितनी लंबाई की जरूरत पड़ी, वो आपका परिमाप हो गया।
और जब इसको आपने बंद किया तो उसके अंदर जितना हिस्सा आ गया वो आपका। अब बात करते हैं ट्राइंगल। ये तो बात हो गई मेंस्ट्रुएशन में क्या है, हम कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए क्या अप्रोच रखेंगे, है ना। पर अब हम लोग किसकी बात करेंगे, ट्राइंगल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं तो ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, तीन साइड्स के द्वारा इनक्लोज फिगर, एन इनक्लोज फिगर बाय थ्री साइड, है ना, त्रिभुज, हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिभुज। तीन भुजाओं के द्वारा बंद आकृति, तीन भुजाओं के द्वारा बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज या ट्राइंगल कहलाती है। अब यहां पे आपका कैसे चलता है बच्चों सिस्टम, आपसे कहा जा रहा है मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी। ट्राइंगल की बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे तीन एंगल हैं आपके, थीटा, फाइ और, तो पहली बात याद रखिएगा ट्राइंगल की कंडीशन होती है सम ऑफ, हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब पूरी थ्योरम्स और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बेसिक प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, क्या बोल रहे हैं, दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से। अगर आपका कोई तीन साइड दी गई है ट्राइंगल की, मान लीजिए 2, 5, 6, तो आपसे अगर बोला जाए ये ट्राइंगल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं 2, 5, 8, तो क्या ये ट्राइंगल बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि दो छोटी भुजाओं का योग से बड़ा है सी। तो वो क्या होगा ना, जब दो छोटी भुजाएं आप इस तरीके से करोगे तो कुछ भी हो जाए ये हमेशा इससे आगे निकल जाएगा, तो यहां पे पहुंच ही नहीं पाएगा। अब देखो अगर आप इक्वल कर दोगे ना तो ये बहुत छोटे से एंगल पर ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा, तभी बन पाएगा। तो हमेशा ए प्लस बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ताकि वो उसके जो तीसरी है उसके दो साइड को टच कर सके। दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल ये बराबर हो जाता है आपके 180। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ये बराबर किसके हो जाता है, 180। यानी थीटा प्लस फाई प्लस साई ये बराबर होगा 180। ये बराबर किसके होगा बच्चों, 180 डिग्री के बराबर। यहां तक अगर किसी के मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो पूछ सकता है, ठीक है, वरना फिर हम सवाल मतलब इसके फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। यहां तक तो वैसे कोई डाउट नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम इसके एरिया पेरीमीटर की बात करें तो परिमाप तो सीधी बात है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। मैंने आपसे क्या कहा था, पेरीमीटर या परिमाप क्या है, ये आपकी जो इनक्लोज फिगर है, तो जो बाउंड्री है अगर उनके लेंथ का हम सम निकाल लें, ये जो बाउंड्री है उनके लेंथ का अगर हम सम निकाल लें तो वो परिमाप। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का एक बेसिक फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, हाइट जो भी आपका एल्टीट्यूड है। यानी अगर मैं आपसे कोई ट्राइंगल बनाता हूं, अगर मैं आपका कोई भी ट्राइंगल बनाता हूं तो इसका जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है ना, वो जो है एच, और ये जिस पर गिर रहा है वो है इसका बेस, ये आपका एरिया दे देगा 1/2 बेस इंटू। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला इसका बनता है 1/2 ए इंटू बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा। अगर कोई ट्राइंगल है आपको उसकी दो भुजाओं के बीच का अगर एंगल दे दिया जाए तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, आपको उनके एंगल्स के बीच का अगर दे दिया जाए साइड तो आप क्या लगा सकते हो, ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा, ठीक है। बात ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके मन में इस बात को लेकर डाउट है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके मन में इस बात को लेकर डाउट है,
नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया। एक और फॉर्मूला होता है हीरोज का, जो कहता है अंडर रूट में एस, अगर ये तीसरी साइड सी है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या कहता है? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप कहोगे एबीसी तो पता है सर, पर ये एस क्या है? आपके मन में आएगा एबीसी तो पता है सर, पर ये एस क्या है? तो ये एस हो जाता है अर्ध परिमाप, यानी सेमी पेरिमीटर, यानी जो आपका परिमाप आ रहा था उसका, या आप कह सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, इसे हम लोग अर्ध परिमाप या सेमी पेरिमीटर। तो ये बात हो गई बच्चों ट्राइंगल की। अब ट्राइंगल के फॉर्मूले देखते हैं, ट्राइंगल का मतलब सवाल देखते हैं। पहला क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15। अब हमें हाइट तो पता नहीं, हमें साइड पता है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा? 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, है ना? 13 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 28, 28 प्लस 14 हो जाएगा 42, 42 डिवाइड बाय 2 21, ठीक है? अंडर रूट में आपने वैल्यू रखी, अंडर रूट में वैल्यू रखी तो ये कितना हो जाएगा? 21 ब्रैकेट 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 8, है ना? 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा? अरे मैं 13 था ना, 8 तो बाद में लिखी। 21 माइनस 14 ये आपका कितना देगा? 7, और 21 माइनस 15 ये देगा 6। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट में 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। आप इसको क्या कर सकते हो? 7 इंटू 3 लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 8, 7 इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 अंडर रूट में। अब देखो 7 इंटू 7 बाहर 7 आ गया, 3 इंटू 3 बाहर 3 आ जाएगा, स्क्वायर हो ही रहा। 8 टू जा 16, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 4 3 जा 12 प्लस इंटू 7, 12 इंटू 7 84। तो आपका आंसर आ गया। ये हीरो फॉर्मूले से आपने निकाल लिया, आपका आंसर आ गया 84, कुछ था ही नहीं इसमें। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 12, 16 एंड द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। तो 1 बाई टू 12 इंटू 16, ठीक है, 1 बाई टू 12 इंटू 16 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों? 1 बाई टू। तो 2 इंटू 2 4, 4 से ये चला गया 3 बार, 16 3 जा 48। आप कहोगे सर इतना बेसिक सा सवाल, अभी तो बस कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसलिए सवाल इजी रख रहे हैं, जब हम प्रॉपरली इनके सवाल कराएंगे तो लेवल टफ हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो आपको मैं बता दूं, एंगल के बेस पर आप ट्राइंगल को तीन चीजों में बांटते हैं। किसके आधार पर? एंगल के आधार पे ट्राइंगल तीन केसेस पे बटता है। एक आपका कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा आपका कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तीसरा आपका कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहता है ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, यानी अल्फा बीटा गामा जो भी है तीनों एंगल वो 90 से क्या होंगे? कम होंगे। तो वो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, यानी उनमें से कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा या 90 से बड़ा हो जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल कहता है एनी वन एंगल इक्वल टू 90, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल आप कैसे बनाते हो बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल आप ऐसे बनाते हो, यहां पर ये जो एक एंगल है जो 90 डिग्री का है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है। ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है।
अब आप यहाँ पे क्या कहते हो बच्चों, ये जो साइड है जो 90 डिग्री के सामने आ रही है वो हाइपोटन्यूज है, बाकी दोनों साइड में से एक परपेंडिकुलर एक एक परपेंडिकुलर एक बेस। यहाँ पे आपका एक थ्योरम चलती है जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जो कहता है हाइपोटन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट आपके बनते हैं, जैसे 3, 4 और 5, ठीक है, कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाता है 5 के स्क्वायर। यहां पर याद रखिएगा हाइपोटन्यूज इज ऑलवेज द ग्रेटर साइड, हाइपोटन्यूज इज ग्रेटर साइड हमेशा, ठीक है। 3, 4, 5 हो गया, 6, 8, 10 हो गया, 12, 5, 13 हो गया, ऐसे बहुत सारे केस यहाँ पे बन जाते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हमें परिमाप निकालना है, यानी पैरामीटर या अर्ध, है ना, तो ये आपका कैसे आ जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटन्यूज। अच्छा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो इस बेस के लिए एल्टीट्यूड का ही काम कर रहा है, वो इस बेस के लिए एल्टीट्यूड का ही काम कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल, तो अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7, 24 एंड 20। तो आपने देखा ये क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है 576, ये बराबर हो गया 625 के, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के स्क्वायर के, बिल्कुल ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, 1/2 7 × 24, 2 से ये जाएगा 12 बार, 12 × 7 = 84 आपका आंसर आ गया, तो बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो गया राइट एंगल की बात, और राइट एंगल पे इस तरीके के आपका सवाल बन जाता है। यूजुअली जब एरिया आता है यहाँ पर राइट एंगल पर, तो वो डायरेक्टली या आप कह सकते हो लिखा नहीं रहता राइट एंगल, साइड दी जाती है, वो देख कर समझ में आ जाता है कि भाई ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आप यहाँ पे राइट एंगल लगा सकते। इसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब अगर हम साइड के आधार पर बात करें, साइड के आधार पर बात करें, तो ट्राइंगल को हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेट। हम ट्राइंगल को कितने वे में क्लासिफाइड कर सकते हैं, 3 में, स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेट। स्केलेन विषमबाहु, आइसोसेलेस समद्विबाहु और इक्विलेटरल समबाहु। अब यहाँ पे होता क्या है बच्चों, स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, ऑल 3 साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, एनी 2 साइड्स हैव इक्वल लेंथ, ठीक है, कोई दोनों साइड जो है उसकी कोई 2 साइड बराबर होंगी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है एनी 3 साइड्स हैव इक्वल लेंथ, एनी क्या, ऑल 3 लिख दो भाई, ऑल 3 साइड्स हैव इक्वल, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, क्योंकि स्केलेन ट्राइंगल के लिए हीरोस फॉर्मूला लगेगा जब तीनों साइड अलग अलग होंगी, है ना। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की हम बात करें तो आपका क्या है, कोई 2 साइड बराबर हो जाती है, कोई 2 साइड बराबर है, तो मान लो ये ए है, ये ए है, ये आपका बी, क्या कह रहे हैं, एक साइड ए है, एक साइड ए है, और दूसरी साइड तीसरी साइड बी है। अब आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चे, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो इस बी के लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो मीडियन का काम करेगा, मीडियन का काम करेगा, यानी वो बी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, वो बी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, यानी ये 2 इक्वल ट्राइंगल में बट गए इस तरीके से,
ये ए है, ये बी बाई टू है, ये 90 डिग्री है, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगा आपका, हाइट आ जाएगी, हाइट पाइथागोरस लगा। ये भी सिमिलर यही है, ए बी बाई टू और ये एच है ना। तो या तो आप ऐसे कर लो, इसका एरिया एच अगर आप निकाल लो तो बी बाई टू हाफ करके इसका आपको दुगना कर देना, या आप कह सकते हो एच बी बाई टू डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा। एच बी बाई टू करने पे हमारा डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा, पर हमारे पास एच भी नहीं है, बी भी, मतलब बी है मान लो, तो अब एच कैसे निकालोगे। आपने देखा ये इस तरीके से आपका बन रहा है, ए बी बाई टू और एच, तो एच की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। वो कहता है ए स्क्वायर हाइपोटन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर अंडर रूट में प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखूं, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 बी इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4। आप चाहो तो 2 बाहर ले जाओ, ये 4 यहां आ जाएगा, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला, अब क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर और आ जाएगा कि बी बाय 4 अंडर रूट में 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस होगा ना, माइनस होगा ना, ये इधर है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर दिया गया है तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो बी बाय 4 अंडर रूट में 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जहां पे ए क्या है, इक्वल साइड्स है, ए क्या है, इक्वल साइड्स है, ठीक है। और इसका हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट इसकी हो जाएगी 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर। अगर इसकी हाइट कभी निकालने को आएगी तो आप क्या लगाओगे, 1/2 4a² माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसकी एक कंडीशन और होती है बच्चों, याद रखिएगा, कई बार ये काम आ जाती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड बराबर होती है उन दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक ना। अब चलिए बात करते हैं इसके सवाल की। तो ये आपके सामने पहला सवाल आ गया है बच्चों, जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा, है ना। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज वन साइड इज 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स इक्वल साइज एंड इट्स पैरामीटर इज 100। आपको पता है इक्वल साइड्स क्या हो गई, 2a, AA हो गई, ये आपका ट्राइंगल है, इक्वल साइड हो गई AA और ये हो जाएगा a प्लस 10, ये आपका कितना हो गया, a प्लस 10 हो गया, ये इक्वल टू में आपके किसके हैं, 100 के, तो 3a बराबर हो गया 90, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 10, सॉरी 30। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आपको पता है ए कितना है 30, बी हो गया 40, ए आपका 30, बी हो गया 40। एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने, बी बाय 4 अंडर रूट में 4a² माइनस का बी स्क्वायर, तो बी बाय 4 यानी 40/4 अंडर रूट में 4a², 4a² का मतलब 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, 900 इंटू 4 36, 900 इंटू 4 3600 हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर 40 का स्क्वायर होगा 1600, तो ये आपका 10 बार चला गया, 10 ये आ गया। अंडर रूट में आपके पास कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट में आपके पास यहां से आ गया है 2000, 2000 किसके स्क्वायर के फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं, 2000 हम ब्रेक कर सकते हैं, आप देखिए 400 × 5 में, 420 का स्क्वायर होता है 5, तो 20 बाहर आ जाएगा, तो 10 × 20 √5 रह गया, यानी
200 रूट पांच आपका आंसर है ऑप्शन थर्ड। 200 रूट पांच आपका आंसर है ऑप्शन थर्ड, बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो आइसोसेलेस है ऊपर से राइट एंगल भी है, तो अब आपको क्या पता होगा, देखिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और ये एक भुजा अनइवन होगी, तो आपका यहां पर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अंडर रूट टू। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी ए अंडर रूट टू और इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ए स्क्वायर। परिमाप क्या हो जाएगा, 2a प्लस ए रूट टू। ठीक, अब देखिए कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुज लॉन्गेस्ट साइड इज 10√2। तो आपको क्या पता है भाई, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में ये a है, ये a है, ये a रूट टू है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये 10√2 दी गई है, इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 10। a की वैल्यू 10 है तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, 1/2, 10 का स्क्वायर 100, 2 से ये गया 50 बार, आंसर आपका आ गया ऑप्शन 150। आंसर क्या आ गया बच्चों आपका, ऑप्शन 150 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गई। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने आपको क्या बताया, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तीनों साइड 60 60 डिग्री के हो गए। ठीक है, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। यहां पर आपका जो परिमाप है वो हो जाएगा 3, यहां पे जो आपका परिमाप है वो हो जाएगा 3 है। इस यहां पे जब आप परपेंडिकुलर डालोगे सेम आइसोसेलेस वाली कंडीशन चलेगी, 90 डिग्री, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा a/2 a/2 में। तो हम डायरेक्टली अगर इसकी हाइट निकालना चाहें, आइसोसेलेस के केस में क्या हो रहा था, अंडर रूट में 4a स्क्वायर, अब यहाँ पे b की जगह भी a है तो ये a² / 2, तो ये आपको देगा √3a/2, ये इसकी हाइट हो गई। इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एरिया हो जाता है √3/4a² 1/2 बेस इंटू हाइट कितना है √3a into base, तो ये आ गया √3/4a², तो इसका एरिया हो जाता है √3/4a². ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज एल्टीट्यूड इज 6। अभी मैंने आपको बताया इसका जो एल्टीट्यूड है या हाइट है उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो √3/2a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 2/√3 × 6। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों इसके एरिया की। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4a² क्या हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला, √3/4a² यानी √3/4 144/2 2 × 6 12 होता है ना, तो 12 का स्क्वायर 144/3, 4 3 12, 4 3 12, 12 से चला गया 12 बार, 12√3 आपका आंसर, 12√3 आपका आंसर आ गया जो है ऑप्शन थर्ड। अगला सवाल यहां पे कहा जा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स साइड्स इज 3 4 5। यहां से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आप मान लीजिए P1, P2, P3 है। अब देखिए अगर मैं इनको ऐसे जोड़ दूं तो यहां पर आप ऐसे जोड़ दूं, थोड़ा सा सही से बना देते, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये कोई पॉइंट था, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है,
अगर मैं इनको इस तरीके से जोड़ दूं तो मेरे पास तीन ट्राइंगल बन गए, मान लीजिए ए बी सी और ओ है, तो मेरे पास तीन ट्राइंगल बन गए, ए ओ बी, ए बी ओ सी और ए ओ सी, और इन तीनों का सम ऐड करने पर मेरे पास ए बी सी का एरिया आ जाना चाहिए। इन तीनों के एरिया का सम ऐड करने पर मेरे पास ए बी सी का एरिया आ जाना चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं मान लूं पी वन पी टू और पी थ्री है, पी वन पी टू और पी थ्री है, तो आप देखिए ये अगर बेस ए है, ये बेस ए है, ये बेस ए है, तो इनका एरिया क्या होना चाहिए, इनका एरिया हो जाना चाहिए 1/2 ए इंटू पी वन प्लस 1/2 ए इंटू पी टू प्लस 1/2 ए इंटू पी थ्री, ये बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1/2 ए कॉमन ले लिया, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, 1/2 ए इक्वल टू पी वन प्लस टू प्लस पी थ्री इक्वल टू √3/2, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। तो अब आप देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहां से ए की वैल्यू आपकी आएगी, देखिए 2/√3, ए की वैल्यू क्या आएगी 2/√3 पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। तो आप ये चीज याद रख सकते हैं एक फॉर्मूले की तरीके से कि अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, यदि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक बिंदु से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है तो उसके साइड के लिए आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो 2/√3 सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपकी आ गई 2/√3 सम ऑफ परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा 3 + 4 7, 7 + 5 12 इंटू, तो आपकी हाइट आ गई यहां ए आ गया आपका 24√3। आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा इसका √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, तो √3/4 इंटू 576/3, 4 3 12, 12 से ये आपका कितनी बार चला जाएगा 24 बार, 48 बार, ठीक है, 12 से आपका जाएगा 48 टाइम्स, आंसर आ गया 48√, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सवाल भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम लाइव आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, कीप एंजॉयिंग, जय हिंद जय भारत, राहुल जोशी साइनिंग आउट।